वी स्टार्ट विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ लीवर फ्लूक। सो बेटा जिमें आप पहला कह चुके हैं लीवर फ्लूक जड़ा है ये ऑर्गनिजम पैरासिटिक ऑर्गनिजम है बाइल डक्ट ऑफ शीप के विच रहिंदा है एंड इहदा एक्सक्रीटरी सिस्टम जड़ा है इट कंप्राइजिज वट दैट इज़ अ फ्लेम सैल दैट मीनस एक्सक्रीटरी ऑर्गन की है इस फ्लेम सैल और कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडिया। एंड दैन फ्रॉम द फ्रेम सैल्स तो बाद एक्सक्रीटरी कैपिलरीज राइज होंगे ने एक्सक्रीटरी कैपिलरीज तो यूनाइट होकर एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स बनते हैं तो एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स तो बाद दे हैविंग एक्सक्रीटरी ट्यूब बनती है एंड दे आर फोर एक्सक्रीटरी ट्यूब्स टू डॉर्सल टू वेंट्रल एंड दैट लीड इन टू अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लैडर। So it first of all we start the study the structure of a flame cell. ठीक है एक flame cell सी जड़ी है ये color diagram है. So that was जड़ा flame cell है it is characteristic of the flatworm. Flatworm का एक characteristic है कि उसमें विच जड़ा excretory organ होता है उसमें उसी कहने हैं flame cell. There is large number of these flame cells. वो क्या है पेन कायमा दे विच थ्रू आउट द बॉडी दे विच ओ अबेंडेड ने। सो ये भी मन्ने जाता है कि जिहड़े प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सैल आर मॉडिफाइड मीजन कायमल सैल्स। ठीक है मीजन कायमा तो ये जिहड़ी है मॉडिफाइड हुई है फ्लेम सैल गिव ऑफ फ्रॉम इट्स सरफेस अ नंबर ऑफ ब्रांच साइटोप्लाजमिक प्रोसैस। सो जे आपां डिटेल स्टडी स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो आप देख रहे हाँ कि वट इज़ प्रेजेंट इट इज़ हैविंग अ वट दे हैविंग अ सिस्टमली कि आप देख रहे हैं जिम्मे एक नर्व सैल के वगू ही देखिए ब्रांच्ड प्रोसैस ने। सो दे हैविंग अ वैक्यूल इज प्रेजेंट सूडोपोडियल लाइक अपीरेंस। ठीक है एंड दे हैविंग इन द ल्यूमन। ठीक है सो दैट इज़ अ ब्रांच साइटोप्लाज्म प्रोसैस दैट पेनीट्रेट बिटवीन द मेसेनकाइमल सैल कंटेन न्यूक्लियस ऑन वन साइड एंड enclosing a large cavity and a bundle of long verbatile cilia project into the cavity theek hai which originate from the basal granule. So the cilia arise from the basal granule and perform regular undulating movement theek hai is tarah di movement show karda hildi hildi. So which undulating movement that look like a फ्लिकरिंग कैंडल जिमें जी अग है या कैंडल है बुझदी जगती लगती होंगी है. सो दैट्स वाई द नेम इज़ कॉल्ड एज अ फ्लेम सैल. ठीक है ताई इसका नाम की है फ्लेम सैल रखा गया. सो फ्लेम सैल जो आप गल कर रहे हैं लाइक दिस सो ये जड़ा है वो कलर भी उसी कई बार नहीं क्लीयर आता हेयर यू हैविंग अ साइटोप्लाज्मिक प्रोसैस लार्ज नंबर ऑफ ग्रोब्यूल एक्सक्रीटरी ग्रैन्यूल बेजल ग्रैन्यूल तो की सीटी राइज हो रही है एंड देयर विल बी अ लार्ज न्यूक्लीअस. दैन जे आप उसको देख रहे हैं कि फ्रॉम द ईच टब्यूल्स या ईच फ्लेम सैल ल्यूमन तो बाद की है दैट इज़ अ कैपिलरी डक्ट्स. कैपिलरी डक्ट्स जड़िया ने दे आर यूनाइट टू फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर. देखो फ्लेम सैल दैन इज अ कैपिलरी डक्ट्स. कैपिलरी डक्ट यूनाइट करके की लार्जर डक्ट्स में दैट इज कॉल्ड कैपिलरी टब्यूल्स. टब्यूल्स जड़िया ने इकट्ठिया होकर की है वैसल्स और कॉल्ड एज अ ट्रंक विच ओपन टू द मेन ट्रंक इस दिया. ठीक है सो दैट इज़ अ मेन स्ट्रक्चराइजेशन दे अकॉर्डिंगली. दैन जे आप इसको देखिए देयर आर मैं तुम्हें पहले दस चुकी हूँ देयर आर फोर लोंगीट्यूडनल ट्रंक्स आर देयर. ठीक है दो डोरसल होंगे ने मेजरली दो की है वेंट्रल एंड दैन दे लीड इन टू द मेन ट्रंक लाइक देयर इतने भी तुम शो कर रहे लाइक हेयर इट इज़ अ टू डोरसल टू वेंट्रल एंड दे लीड इन टू द मेन ट्रंक इज देयर. ठीक है एंड दैट मेन ट्रंक इज कॉल्ड एज अ लोंगिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल एंड विच ओपन आउट द बाय अ पोर कॉल्ड एज अ एक्सक्रीटरी पोर इसनों से ब्लैडर भी कहने. ठीक है सो दैट मीन्स द ब्लैडर हैज अ मस्कुलर वॉल लाइंड विद अ नॉन सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथीलियल सेल. इट स्टार्ट अ शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द एसिटेबुलम. ठीक है एंड रन स्ट्रेट बैकवर्डली
in the way it receive several excretory tubes from the rest of the body and open out by a pore called excretory pore. ठीक है, सो हुण जे आपां इस दे मैकेनिज्म की गल करिए, जे आपां इस दे मैकेनिज्म कर दें तो हाउ इट इज़ वर्क या लाइक दैट. सो वर्किंग दे अकॉर्डिंगली आपां देखते हैं कि जिहड़ा प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सैल है वो एक्सक्रीशन इन टू स्टैप दे विच प्रोसैस है. वन इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज अ रीअब्जॉर्प्शन. दैट मीन्स फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया एंड फॉर्म प्राइमरी यूनिट, जो भी मीजनकाइमा दे विच जिहड़ा मटीरियल है वह सिंपल बाय डिफ्यूजन की है फ्लेम सेल्स के अंदर आ जाता है बाय द साइटोप्लाज्मिक प्रोसैस एंड दैन इट कम्स इन टू द कैविटी. हुण जिहड़ा कैविटी च आया उसने की है इंटरसैलर डक्ट्स जिहड़े अंदर नूं मूव करना एंड दैन विच टेक्स प्लेस रीअब्जॉर्प्शन शुरू होंदी है, जिवें ओ नेफ्रिडियल डक्ट्स तो लाइक एक्सक्रीटरी कैपिलरीज एंड दैन मॉडिफाइड प्राइमरी यूरिन टू न फाइनल यूरिन. इन अल्ट्राफिल्ट्रेशन द फ्लेम सेल पास प्रोटीन फ्री एंड सेल फ्री फिल्ट्रेट ऑफ टिश्यू फ्लूड इन टू द कैविटी. दैन फिल्ट्रेट से आप देखा की आता है, वाटर होंगे, टॉक्सिन, शुगर, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड आयंस. इन रीअब्जॉर्प्शन सम वाटर, ऑल शुगर अमाइनो एसिड एंड मोस्ट आयंस आर पास्ड बैक इन टू द टिश्यू फ्लूड. ठीक है ना, सो कलैक्ट किया उस मैक्सिमम की उस अगेन पास आउट हो जाता है एंड द फाइनल यूरिन कंप्राइज इज वाटर होंगे, उस टॉक्सिक फैटी एसिड जोड़े है पास होंगे है फ्रॉम द एक्सक्रीटरी पोर. ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर जोड़े पास हो जाते हैं एंड दैन देर विल बी अ ओपन आउट बाय अ कैनाल, दैट मीनस इन टू द एक्सक्रीटरी पोर. द प्रोटोनेफ्रिडिया आलसो ब्रिंग अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन. सो ए सी बेटा ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द लीवर फ्लूक. मैं एक बार फिर नटशेल तुम दस दिनी हाँ कि फ्लेम सैल, फ्लेम सैल्स तो कि एक्सक्रीटरी कैपिलरीज, ठीक है. सो जो आप गल करिए सो दैट इज़ अ सिंपली ओरेंज कलर दे आप फ्लेम सैल कह रहे हैं. फ्लेम सैल्स तो बाद दीज आर एक्सक्रीटरी कैपिलरीज जीडिया उन्होंने आ रही हैं. दैन कैपिलरीज जीडिया ने की बना रही हैं ट्यूब्स लाइक हेयर एंड ट्यूब्स आर यूनाइट टू फॉर्म दीज लोंग ट्यूब्यूल्स. ठीक है, सो दे आर फोर मेजरली आप करते हैं कि दैट इज़ अ टू डॉर्सल एंड टू जीडिया ने वेंट्रल एंड द ओपर इन टू द मेन मीडियन डक्ट लोंगीट्यूडनल डक्ट जिसनों ब्लैडर भी कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लोंगीट्यूडनल. लोंगीट्यूडनल जिमें ही डाउनवर्डली एक्सक्रीटरी पोर तक जाता है नाल दी नाल की है बॉडी दे विच होर की एक्सक्रीटरी ट्यूब रिसीव करता रहिंदा एंड दे ओपन आउटसाइड बाय अ एक्सक्रीटरी पोर. सो ए सी आल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ लीवर फ्लू. रेस्ट जी आप नैक्सट करा दैट इज़ अ रीप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ लीवर फ्लूक.